हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत। मैं तारचंद। आज हम बात करते हैं बीए पार्ट थर्ड, और बीए पार्ट थर्ड के अंतर्गत पेपर फर्स्ट सामाजिक विचार अर्थात सोशल थिंकर। तो सोशल थिंकर फर्स्ट पेपर को हम तीन यूनिटों में डिवाइड करते हैं, और तीन यूनिटों में डिवाइड करने के साथ हमारी जो पहली यूनिट थी वो है क्लासिकल पाश्चात्य विचार अर्थात तो प्राचीन सामाजिक विचार या प्राचीन पाश्चात्य सामाजिक विचार, जिसके अंतर्गत हमारे तीन विचारक थे वो हमने पूर्ण करा दिए। कार्ल मार्क्स है, मैक्स वेबर है और इमैनुअल कांट। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे तीनों के, लेकिन अब हम बात करते हैं सेक्शन वी। और सेक्शन वी के अंतर्गत तो हमारे तीन विचारक हैं, लेकिन जो तीन विचारक वे आधुनिक पाश्चात्य विचारक हैं। आधुनिक वे तो थे सेक्शन ए के प्राचीन पाश्चात्य विचारक, और ये हैं आधुनिक पाश्चात्य विचारक, जबकि सेक्शन हमारा होगा सी, वो भारतीय सामाजिक विचारक होगा। तो इस प्रकार से पहला जो सेक्शन था वो हमारा समाप्त हुआ, जिसमें कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर और इमैनुअल कांट। अब हमारा सेक्शन वी है, और वी के अंतर्गत हमारा सबसे पहला जो विचारक है वो जगरन हैबरमास। सेक्शन वी में तीन विचारक हैं जो आधुनिक समकालीन पाश्चात्य विचारक हैं। उन विचारकों में सबसे जो पहला विचारक है वो है हैबरमास, जगरन हैबरमास। और जगरन हैबरमास का जो संबंध रहा है वो जर्मन से। इनका जन्म 1929 के अंतर्गत तो रियान प्रांत के डंगवास के अंतर्गत जर्मन में हुआ है, और हैबरमास का जो संबंध रहा है वो फ्रैंकफर्ट संप्रदाय से है। हैबरमास को नव मार्क्सवादी समाजशास्त्री भी कहा जाता है। नव मार्क्सवादी समाजशास्त्री उनको इसलिए कहा जाता है कि ये मार्क्स के विरोधी है। हालांकि कुछ मार्क्स से ग्रहण भी करते हैं, लेकिन मार्क्स के विपरीत विचारधाराएं रखते हैं। जहां मार्क्स ने आर्थिक निर्धारणवाद को महत्व दिया है, वहां हैबरमास आर्थिक निर्धारणवाद को नकारता है, और संघर्ष की जो बात तो करता है मार्क्स, वहां हैबरमास समझौते की बात करता है, आधुनिकता के साथ चलता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका जो संबंध रहा है वो फ्रैंकफर्ट संप्रदाय से, और वो फ्रैंकफर्ट संप्रदाय एक जर्मन में, जर्मन के अंतर्गत एक विचारकों का समूह है। फ्रैंकफर्ट संप्रदाय जर्मन के अंतर्गत एक आधुनिक सामाजिक विचारकों का समूह है, जो समाज की समस्याओं को बारे में नए सिरे से सोचने का कार्य करता है। उनको दिशा निर्देश देता है कि आधुनिक युग के अंतर्गत तो समाज के अंतर्गत नई नई समस्याएं ले रही हैं, उनका समाधान हमको नए तरीके से खोजना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों के समूह को हम फ्रैंकफर्ट संप्रदाय की संज्ञा देते हैं। उनमें से हैबरमास प्रमुख है, एक है होम खोबर और एक है लियोटार्ड। इन्होंने इस संप्रदाय का निर्माण किया, और वो समाज के विषय में नए तरह से सोचने का प्रयास करते हैं, और उन समस्याओं के बारे में समाधान करने का प्रयास करते हैं। हैबरमास ने दो प्रमुख सिद्धांत दिए, एक तो है द लेजिलेशन ऑफ क्राइसिस वैधता का सिद्धांत, अर्थात आधुनिक युग के अंतर्गत जो चीज वैध है, लीगल है, उसके लिए संकट उत्पन्न हो जाता है, उनके सामने अनेक समस्याएं हैं, जबकि प्राचीन काल में इस प्रकार की समस्याएं नहीं थी। वो परंपरावादी था, लेकिन आधुनिकता के युग के अंतर्गत जो नई नई चीज आ रही है वो समाज में एक संकट उत्पन्न कर रही है, एक समस्या उत्पन्न कर रही है, जिसको हम हैबरमास की दृष्टि से कहते हैं वैधता का संकट, कि जो चीज लीगल है, वैध है, और उसके बाद उसके अंतर्गत संकट उत्पन्न हो रही है, समस्याएं जन्म ले रही हैं। तो उसके बाद जो दूसरा सिद्धांत उन्होंने दिया है वो संचारात्मक क्रिया का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन एक्शन।
द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन एक्शन के अंतर्गत वो बात करते हैं संचार की, कि आधुनिक युग के अंतर्गत संचार कितना महत्वपूर्ण है। ये वार्तालाप करने की जो प्रक्रिया है, इनके कम्युनिकेशन है कि किसी बात को, किसी संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए जो हम शब्द प्रयोग में लेते हैं, जो कार्य करते हैं, जो प्रणाली है, वो हमारे लिए है संचारात्मक क्रिया। और आधुनिक युग के अंतर्गत संचारात्मक क्रिया महत्वपूर्ण, और संचारात्मक क्रिया में महत्वपूर्ण जो स्थान है वो है भाषा का, कि हम वार्तालाप करने के लिए आनंद फानंद हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं। ये भाषा शब्द ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरित होते हैं, इसी को हैबरमास ने संचारात्मक क्रिया कहा है, अर्थात संप्रेषणीय क्रिया, संप्रेषीय या संचारात्मक क्रिया या संचार का सिद्धांत। तो यहाँ पर हैबरमास की दो तीन प्रमुख पुस्तक हैं, द क्राइसिस ऑफ द लेजी मेटेशन ऑफ क्राइसिस वैधता का संकट, द लेजिटिमेशन ऑफ क्राइसिस CRISISE क्राइसिस वैधता, और एक है द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन एक्शन संचारात्मक क्रिया। अब हम बात करते हैं कि संचारात्मक क्रिया क्या है, अर्थात पहला है संचारात्मक या संचार या संप्रेषी क्रिया का सिद्धांत। संप्रेषी या संप्रेषण या कम्युनिकेशन ये है, अर्थात संचारात्मक क्रिया। The theory of communication CONMUNICATION the theory of communication action कम्युनिकेशन एक्शन, कि वास्तव में संचार क्या है, अर्थात संचार वह प्रक्रिया है जो किसी संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजने की जो प्रक्रिया है वो हमारे लिए है संचारात्मक क्रिया या संचार, कि किसी भी बात को एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने या भेजने की जो प्रक्रिया है वो हमारे लिए कहलाती है संचार संप्रेषण। इस संप्रेषण में संचार में भाषा महत्वपूर्ण होती है, लैंग्वेज, लेकिन इस भाषा के साथ साथ दो व्यक्ति होना जरूरी, एक संप्रेषक और एक संप्रेषी। संचार में दो व्यक्ति होते हैं, संचार में दो व्यक्ति होते हैं, एक तो संप्रेषक और दूसरा है संप्रेषी। अर्थात एक व्यक्ति कहता है और एक व्यक्ति कही हुई बात को दूसरा व्यक्ति उसी भाषा में उससे संकेत करता है, भाषा को उत्तर देता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ कहता है और दूसरा व्यक्ति उसी भाषा को शब्द को सुनकर पुनः उसको उत्तर देता है, अर्थात आपस में वार्तालाप और बातचीत करने की जो प्रक्रिया है, जब दो व्यक्ति आपस में भाषा के माध्यम से वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, लेना देना करते हैं,
तो वह प्रक्रिया ही हमारे लिए संप्रेषण कहलाती है। संप्रेषण के मध्य दो व्यक्ति होना आवश्यक है, एक कहने वाला और दूसरा सुनने वाला। इस प्रकार से जो वार्तालाप होती है, जो आनंद फानंद जो बातचीत करते हैं, जो लेन देन करते हैं, जो संचार करते हैं, हैबरमास ने उसी प्रक्रिया को संप्रेषण की प्रक्रिया का सिद्धांत कहा है।